Hare
فلم يشهدوا كيتنا قرنا شكنا في دول عاشين سربتوا بمنتم فاشعبي قاندوا مريكشن سمنتا بيتكان لك جودي مكرمين وما كرم وَمَاسْيَ مِشْوَاسْيَ بَرَمْ لِلْعَالَمْ وَمَاسْيَ يَشَاشْ وَفَدَرْ بَدُوْتَ سَنَاكَ نَسْوَمْ قُرْهُ مَتُوْمِي أَنَا بِمَدْحَانْ جَمَنَنْ شفي سوريا ليتنا أشعامي بامديك هدى شبطن سوبي لزاوي سوبي لن أغنطن جاواب بديو جيب من ترمي بيابتن ويكي نبي فاستسرى اشتركوا قلوبا مبيا كبيرا نوقت فينك جبكم مراتما عميق وانصر شمعي زنبي شجانك
गीता जी का पाठ दूसरा अध्याय प्रारंभ से श्लोक संख्या 10 तक। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। तद्वितीयोऽध्याय संजय उवाच तं तथा कृपया वेष्ट मास्तु पूर्णाकुलेक्षणं विशीदन्तमिदं वाक्य उवाच मधुसूदन। श्रीभगवान् उवाच उत स्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्यजोष्टमस्वर्ग न कीर्तिकरमर्जुन लैव्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षोद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप
अर्जुन उवाच कथं भीष्महं सांख्ये द्रोणां च मधुसूदन इशुभे प्रतियोक्ष्यामि पूजार्धवरिसूदन गुरुनः त्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदीपान् न चैतद्वा कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव त्वा न जिजीविषामा एव स्थितः प्रमुखे धार्तराशा कार्पण्यदोषो वहत स्वभाव प्रेक्ष्यामि त्वां धर्मसामूढसेवा यस्यान्वेष्टितं ब्रूहितान्ये शेष्यस्येऽहं साधिमान्त्रं प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुव्यत् यत्सोकमुत्सोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योऽस्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूव त्वमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच त्वमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं
राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण षष्ठी शनिवार सन 2051 तदनुसार 27 अगस्त 1994 को प्रातः 5 बजे की सत्य प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम के लिए खास बात है कि अपना उद्धार करे। उद्धरे आत्मनात्मानम नात्मानम अवसारी, अपने आप अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे। आत्म में आत्मा बंधु, अपना ही आप बंधु और आप ही अपना शत्रु। जो अपने आप से अपना उद्धार कर लेता वो अपने आप मित्र है, और अपने आप का पतन कर ले तो आप ही अपना शत्रु है। भाई इस जमाने में बड़ी विकट समस्या है, तो भगवान में जोर से लग जाओ। चलते फिरते उठते बैठते हरदम भगवान के नाम जप करो। अब मानस का पाठ आ रहा है, मानस रामायण का, तो ये 9 दिन का बड़ा सुंदर अनुष्ठान है, तो पाठ करो और मौन रखो। हर समय भगवान का नाम उच्चारण होता रहे, हर समय सावधान। एक विशेष अनुष्ठान का मौका आ गया है, इस वास्ते बड़े संयम से रह करके और नाम जप करते हुए समय बितावे। ये बड़ी कृपा है जो बहुत समय अपना पाठ में लग जाएगा, सार्थक हो जाएगा, और समय में भी सावधान रहे, हरदम नाम का जप करते रहे, तो बड़ा भारी एक अनुष्ठान हो जाए हमारे द्वारा। नाम जपते हुए काम करते हैं, तो ये मौका है अभी मिला हुआ। जैसे 84 लाख जोड़ी में एक मनुष्य शरीर होता है, ऐसे मनुष्य शरीर में ये सत्संग का मौका होता है। उस सत्संग में भी विशेष रामायण का पाठ, हेतु रहित जग जुगो उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी। ये दो बताए विशेष, भगवान और भगवान के सेवक। तो भगवान के तो चरित्र है, और लिखे हुए महाराज भगवान के भक्त के हैं, गोस्वामी जी महाराज की वाणी है, तो ये बहुत विचित्र ढंग अपने को मिला है, बड़ा सुंदर अवसर मिला है। तो भगवान की भजन का जप का अभ्यास करेगी तो नाम छूट न जाए। भगवान का नाम हर समय लेना है, और रामायण का पाठ करना है, संयम से रहना है। जिसके शरीर अनुकूल पड़े तो एक वक्त भोजन करो, नहीं तो 2 वक्त थोड़ा भोजन करके भोजन कर ले। शक्ति जिससे भजन बने, भागवत महात्मा आया है कि उपवास करने से कथा विघ्न करोगे, कथा में विघ्न होता हो तो वो उपवास नहीं करना चाहिए। ऐसे ही जिसके स्वास्थ्य के ठीक पड़ता हो, 2 बार थोड़ा थोड़ा भोजन ले लो, संयम से रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, वाणी से सत्य बोलो, भगवान का चिंतन करो, नाम का जप करो, हो सके तो मेरी सेवा कर दो। इस काम में समय अपना लगे, और सदा के लिए सावधान हो जाओ, भगवत प्राप्ति करना है, भगवान का नाम जपना है, भगवान का भजन न छूट जाए। यहाँ भी 9 दिन में अभ्यास कर लो, अभ्यास करने के घर जाओ तो वहाँ भी भगवान के नाम का जप निरंतर होता रहे। इसमें सावधान है, नाम न छूट जाए, नाम की कहीं गलती न हो जाए, बिना भजन के बिना भगवान नाम के समय न चला जाए खाली। जो दिन जाए भजन के लेखे शुद्ध सासी, गिनती में गिनती में वही दिन आएगा जो भजन के लिए जाएगा। बिना भगवान जाएगा वो तो भाई मनुष्य कैसे ही नहीं, पशु पक्षी खादते मोजते नित्यम सुन का शुरू करा।
कुत्ता है, सूअर है, गधा है, ऐसी है, तेषां मेषां को विशेष में क्या विशेष वृत्ति वैसी वृत्ति है, खाना सोना वो तो पशुता है। मनुष्य जन्म का वास्तविक लाभ है भगवान का भजन करने में है, इन मनुष्य की सफलता है, नहीं तो मनुष्य सफल नहीं है, पशु तरी हुआ हो अपना मनुष्य जन्म सफल करना है। खूब चिंतन करे भगवान का नाम जप करे, संयम रखे, सात सामूहिक पाठ का मौका मिल गया है, बहुत अच्छा। हरदम सावधान रहे, भगवान की बोली में हो जाए, कह दास राम राम जी बोलू की कर, बोलिया भूमि और माल में जाओ भी कर, बिगड़ जाओ माजमा देवे कलेरी सोन, चांदी मारा ऊपर ऊपर ला दे लूंगा, ऊपर ला दे लू सदा वर्षा में शिखर, कह दास राम जी बोलू की राम जी बोलू, भगवान को भूले नहीं। हरि स्मृति सर्वगत विमोषण, भगवान की स्मृति सब प्रत्यो को नाश करने वाली है। यश स्मरण मात्र न जन्म संसार बंधनात विमोच्यते, जिनके स्मरण करने मात्र से संसार का जन्म बंधन बंधन से मुक्त हो जाता है आदमी। इस नाम का जप करते है याद करे, हे नाथ साथ साथ प्रार्थना ये करके मैं भूलू नहीं, ये तो मैं भूलू नहीं, ये ना तो मैं भूलू नहीं, ऐसे भगवान से प्रार्थना करना है। और भीतर विश्वास रखे कि भगवान की कृपा से अब भगवान का स्मरण होगा, उसी कृपा से मैं स्मरण होगा भगवान का, ऐसे कृपा का विश्वास भगवान नाम का जप करते रहे निरंतर हर समय, और पाठ के समय पाठ करना ही है, बड़ा अच्छा है। अनुष्ठान में समय लग जाए वो भी सामूहिक पाठ, अकेले पाठ तो अपने घर पर ही कर सकते हैं, पर देखने में आवे तो, सुनने में आवे तो, अपने पढ़ने में आवे तो, भगवान की भगवान चर्चा, भगवान की लीला हो, सभी तरह से भगवान की आवाज आ रही, भगवान की रामायण की आवाज, बड़ा अच्छा सुंदर मौका है अनुष्ठान का। बड़ी सावधानी से मन में समझा कि ये कोई भाग्य से मिला है, अथवा भाग्य अपेक्षा विशेष भगवान की कृपा से मिला, कृपा साध्य है साधन, ये हरदम मिला ले अपने हाथ की बात नहीं है, धनी से धनी आदमी भी उसको प्राप्त कर रहे धन के द्वारा, ये हाथ की बात नहीं। राजा महाराजा भी कोई अपने धन से वैभव से अपने राज्य से उसको प्राप्त कर रहे हाथ की बात, वो अपने को मिला है ऐसा बड़ा सुंदर मौका। तो इस मौके को समय चूकी पुनः का पछता नहीं तो पहले से याद रखे रामायण का पाठ करे खूब सारा, भगवान के साथ ही रहे हरदम, जैसे तुलसीदास जी महाराज रहते हैं भगवान ये करते हैं, वहाँ दस पंद्रह के अखाड़ा, वहाँ यहाँ यहाँ प्रात लगुना है लगे, यहाँ ऐसे यहाँ वहाँ, कोई गोस्वामी जी साथ में रहते हैं भगवान के चरित्र में, ऐसे अपने भी साथ में रहो भगवान के साथ, लीला तो कर रहे हैं भगवान साथ में अपने चल रहे हैं। पहले नमस्कार होगा, मानस सरोवर होगा, फिर आप भगवान की लीला चलेगी, हर समय चलते फिरते उठते बैठते भी भगवान का नाम लेते रहे, नाम से खाली समय न जाए। दारू हंसी बड़ी ने भूली भजन राम, कौन काम संग्राम के मुख में अड़ोसाम, विदन को काम करे राम 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 राम, बोले कम, बहुत कम बोले, अपने खास बात बोले, बोलने में चार बात है, तीन बात खास, अपने को कोई पूछा है तो थोड़े शब्द में उत्तर दे दिया, और अपने को पूछना हो तो थोड़े शब्द में पूछ लिया, बिना पूछे कि कहने की जरूरत तो है तो थोड़ी बात कह दी थी, और ज्यादा बोलने की जरूरत थी,
जिन काम से और नाम का जप करते हो कृष्णा राम बिना मत बोल और बोले अपराध लगत है पड़त भजन में झोल। कृष्णा राम बिना मत बोल भगवान के नाम से ये बड़ी अमूल्य चीज है। भगवान का नाम है ये नाम धन का खजाना बढ़ाते सो इस खजाने का संग खूब करना अपना ज्यादा से ज्यादा। नाम जपने में दोनों लाभ है, मर जा तो कल्याण जीवित कल्याण, मर जा तो अंदर भगवान का नाम आना चाहिए तो हरदम करता है तो हरदम में तो समय आता है मरने का। मरने का समय को अलग थोड़ा ही है, ये 24 घंटा ही है। तो मर जा तो कल्याण और जी जा तो संग्रह हो गया भगवान का भजन रूपी धन संग्रह हो गया। ये अवलोकन का धन है, विलक्षण धन है, साथ में चलने का धन है। वह धन यही रहने वाला है, ये धन साथ चलेगा। और बंटवारा होता है धन का घर में तो इसका बंटवारा नहीं होगा, जो भाई जपेगा उसी का ही होगा। ऐसा नहीं भाई भाई का ऐसा अलग है इतना अलग है, ना भार है ना बोझा है ना कोई कठिनता है इसमें, सीधी सारी बात है। धन साथ लोग तो बोझ भी होता है इसमें धन बोझ भी, और जहां जाओ वहां काम करेगा ये। यहाँ भी भजन करने वाले हैं उनका यहाँ भी आदर होता है, सब निर्वाह होता है, कुछ भी पास न होते हुए भगवान का भजन करते रहते हैं बहुत आनंद से निर्वाह होता है ठीक से सुखपूर्वक। भगवान नाम का ऐसा प्रभाव है, जिन्होंने भगवान का भजन किया है वे बड़े संत हो गए महात्मा हो गए, वो स्थान पूजित हो गया, जहाँ रहे वो जगह ही सिद्ध गया ही पूज्य सिद्ध रहा बिठोर। नाम जप करने से ऐसी दृक्षता में आ जाए, अनुग्रता आ जाए, जीते जी शरीर के रहते रहते दृक्षता आ जाए, ऐसा भगवान का नाम है। तो वो नाम मुफ्त में मिलता है, जैसे सस्ता माल आवे और महंगा बिके उसमें नफा ज्यादा होता है। तो लेने में तो जितना सत्संग में जब समय लगता था उतना ही समय लगता है, और कीमत उठेगी कलयुग के समान। कलयुग भगवान के नाम विशेष कली विशेष नहीं आने पाऊ, चौ जब चौ श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं आने पाऊ, कलयुग विशेष महिमा है तो दूसरा ऐसा उपाय है नहीं। तो लेने में तो सस्ता है, जितना शत्रुघ्न में सत्य उतरेता द्वापर में समय लगे उतना ही तो समय लगता है लेने में, तो सस्ता आता तो सस्ता है, और कीमत होगी कलयुग अनुसार। कलयुग केवल नाम आधारा समझ समझ रूप आया तो ऐसा विशेष है, तो बढ़िया बात है। अभी मौका है, गाइए राम है सुनिए राम है संत तो सुनिए राम गुरु राम है, गाइए राम है सुनिए राम है, अरे संत तो सुनिए राम गुण ग्राम है, तो राम गुण ग्राम का सुने और वही पाठ भी करे, कानों से सुनता रहे जबा से पाठ करता रहे, पाठ करने वालों को दर्शन करते रहे, भगवान का भजन करने वाले पुरुषों का दर्शन भी पवित्र होता है। तो भगवान में लगे हुए होते तो उनका दर्शन धर्म भी होते, ऐसे भगवान में लगे रात और दिन असली है। सीताराम ने भजी ने लव लीजिए और लव है तो समय आ गया लव देने का, मुख राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए, सीताराम ने भजी ने लव लीजिए, लाभ का एक मौका मिल गया। अच्छा स्वास्थ्य बड़ी तत्परता से भगवान भजन में लग रहा है, चलते फिरते उठते बैठते बोले कम, जब मेरे 9 दिन का अनुष्ठान है बहुत कम बोले बात खास, कुछ जरूर बहुत बोले देता हूँ नाम 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 जरूर होना, कैसी बढ़िया बात है। गाइए राम है सुनिए राम है, अरे संत तो सुनिए राम गुरु राम है, भगवान की लीला सुनो भगवान के गुण सुनो भगवान का भाव तत्व की बात सुनो। तो रात दिन सावधान रहे, दिल में जागृत रहिए बंदा, ये तो प्रिय दृश्य करिए पर हरिए दुख बंदा, दिल में जागृत रहिए बंदा।
जागत नगरी में चोरन लागे जखमा लेला जमदूता जागिया गोरखनाथ जगसूता। ऐसा आता है जगसूता है गफलत में पड़े आएगी पता ही नहीं है। आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, पता नहीं है संसार में क्या करना है। प्रवृत्ति से निवृत्ति से जम नव दूर आसुरा आसुरा जरा नव दूर नव दूर आसुरा जानते ही नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्या रहना चाहिए क्या नहीं रहना चाहिए क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। होश ही नहीं पशुओं की तरह पशुओं से नीचे है। पशु तो पशु जन्म बिताते हुए पापों का नाश करता है। पशु है ना पशु कि पाप के कारण से पशु बना तो पाप नष्ट होता है और ये मनुष्य पाप करता है नया पाप करता है वो तो शुद्ध हो रहा है अशुद्ध हो रहा है भाई हानि हो रही है। एक मनुष्य जन्म किए हुए पाप 84 लाख जन्म भोगने पर भी पूरे नहीं होते इतने पाप कर जाता है मनुष्य ये तो भोग योनि तो 84 लाख योनि है उधर स्वर्ग है भोग योनि बहुत है। मनुष्य जन्म एक है ये किए हुए पुण्य और पाप अलग अलग लोग भोग जाते हैं और जगह कर्मानुबंधी नहीं मनुष्य लोग कर्मों से बंधन मनुष्य लोग में होता है पशु पक्षी आदि में कर्मों से बंधन नहीं होता है। उन भोग है अपना जैसा पाप पुण्य किया है पुण्य के पाप से स्वर्ग आदि चले जाते हैं पापों में नरक 84 लाख जन्म में चले जाते हैं वहाँ पूरे कर्मों का भोग शुद्ध हो रहे हैं। तो पशु तो मनुष्य जन्म की तरफ आ रहे हैं और मनुष्य पशु और नरकों की तरफ जा रहे हैं। बलु हर बास नरक करता था दुष्ट संग जाएंगे नरकों में तो पाप कटते हैं दुष्टों से पाप बढ़ते हैं। उल्टा काम स्वास्थ्य कुशल का त्याग कर दुर्गों का त्याग कर भजन में लग जाओ सत्य हृदय तो भगवान को पुकार के यही कहोगे नाथ भूलो नहीं सब कर मांगे एक पल राम चरण रति हो भगवान के चरण प्रीति हो जाए सबका वरदान मांगे यही वरदान मांगे यही असली वरदान है। तो मनुष्य शरीर मिल गया भगवान के भजन का मौका मिल गया श्री पाठ का मौका मिल गया है ऐसे पाठ करने वालों के दर्शन का मौका मिल गया है। गांव गांव में जाकर कोई दर्शन करना चाहे भी सत्संग का दर्शन करे तो कैसे ढूंढे गाँव में कई तरह के आदमी होते हैं। यहाँ एक प्रेमी और पाठ करने वाले गांव गांव से अलग अलग आए तो सब सत्संग करने नियत से आए पाठ करने की इच्छा से आए पाठ करने की इच्छा वाले तो गांव में पीछे रह गए हैं पर आए हैं वो तो सब पाठ करने वाले ही क्यों गए कारण नाना लीला घर में तरह तरह के काम होते हैं तो किसी का अवश्य काम है मन होने पर नहीं आ सके तो पाठ करने वाले तो पीछे रह गए हैं पर आए सब पाठ करने करने वाले भगवान सत्संग सुनने के लिए किसके लिए आना हुआ है तो इस जगह एक जगह दर्शन इतना का हो जाए कितनी बढ़िया बात है। भगवान की तरफ चलने वालों का समुदाय का दर्शन इनको भाग्य से मिलता है। ये तो हम क्या करे भले भले मनुष्य बैठो रही महाराज को मनुष्य पास चाली है भगवान भले मनुष्य बैठो रही कुमार चाल भले मनुष्य मरा दर्शन भय स्पर्श भय भाषण भय चिंतन भय ध्वनि हो रही है राम नाम की ध्वनि हो रही है रामायण की वो सुनने को मिल रही है जबान से कहने की हो रही है नेत्रों से देखने की हो रही है सब इंद्रियों में लग रही है। कैसी बढ़िया बात है भागो मन तो शुद्ध है सब तरह है तो लाभ उठाना चाहिए और सावधान हरदम आज से ही सावधान रहना है न जाने मृत्यु कब आ जाए तो हरदम भजन चलता रहे तो कोई धोखा नहीं है। कभी मृत्यु आ जाए हो ये बीमा करना है हरदम भजन करना है बीमा हो गया हमारा अब जोखम निवृत्ति ठीक ठीक रह गया कभी आ जाए मौत भगवान का भजन करते हुए जीवन तो फायदा मन तो फायदा सब तरह से फायदा लोग ला पर लोग निभा सुमेर तो सोलह पर सुख तो सब का हो सबने सुख देने वाला सबका अधिकारी भगवान नाम के अधिकारी सब
दुष्ट है, सज्जन है, ऐसे अच्छा कुल है, मामूली कुल है, रिश्ता है, उल्टा है, भगवान नाम में सब दशी जाट भजो गुजर भजो भगवान भजो वही तुलसी रघुवर नाम में सबका उपासी इसी बात है। तो हर समय भगवान का नाम जपते रहे, राम 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 राम, औरों को भी याद दिलाते रहे, जिनको मित्रता आपस में हो स्नेह हो तो उनको कहो कि भगवान की याद करो, भूल तो नहीं गए हो, भगवान को भूल तो नहीं गए हो। एक सज्जन मिले थे, वो कहते हमारे एक संत का साथ हुआ, जो भाई नाम जपना है जो महाराज क्या बोलो अंतर्यामी थे पता नहीं, जब हुए तो बोलते हो भगवान याद याद, तो फिर भी उन याद दिलाओ स्मरण दस मारे अंत मिथो गो हरा मारियम, कहते हैं स्मरण भी करे स्मरण करावे भी, आप भी नाम ले रहे और उसे भी नाम ले रहा है तो बहुत लाभ की बात है। फिर इसमें कहा है लड़ा वो तो नाम लड़ी जर करा वो तो सेवा कीजिए, कई बन बाला बन गया कई बन गया अजान, नारायण रे नाम री मौड़ी पड़ी दिशा पता पेश है लगा भाई, बाल बड़े खेल में चले गए और कई अनजान बने पता ही नहीं ऐसे चले गए, भगवान ने नाम ही तो देरी से पता लगा, दादू जैसा नाम था तैसा भी लाना है, दे अलावा हो गया ओसा ही मनवा, उम्र भर भजन किया दादू हमारा संत हो भजन किए, पर दादू जैसा नाम था तैसा भी लाना, अब दे अलावा हो गया ओस रही मन में ओस रही जयंती जल हो रही भाई सर उठाओ ऐसे इस बात हो गई, अब मरने वाले हैं मन में रह गई भगवान का भजन फेर कर, तो मन में रहना वही भजन है असली, असली जो भगवान की याद आवे तो भजन करना है हमारे वो भजन होना शुरू हो गया, चिंतन है पीछे में भगवान को भूल नहीं जाऊं, भगवान की याद करनी है, भगवान का नाम लेना है, भगवान का चिंतन करना है, भगवान की कथा सुननी है, भगवान का चरित्र सुनना है, कहना है, पढ़ना है, ऐसे मन में आप हो गए वो भजन है भगवान का। गोविंद का जिसे एक बार बात कर रहे थे एकांत में तो मैं कहूँ सर जी आपको संध्या का समय हो रहा है शाम को बिल्कुल जाएगा, फिर बात कहेगा मुझे तो संध्या का समय, तो शेर जी ने कहा इसका नाम संध्या है, ये जो बात है संध्या करनी है, ये संध्या करने से कम नहीं है बात है, उसे तो चिंतन हो रहा है भजन है, इसका नाम भजन है, लगन है ना लगन का नाम भजन है, लगन लगन सबो कहे लगन कहा वे सोए नारायण जिस लगन में तनबंदी है खोए, जो उसी लगन है ये भजन है अस्थि, ऐसा नाम लिया वो भी लाभदायक है, पर लगन बिना नाम ले वो मामूली होता है, लगन होती है उसका महत्व विशेष है, तो ऐसी लगन लगाओ भगवान दिन भर रात भर भगवान में लगन है, केवल काम यही है, अब घर का धंधा खेत का धंधा सब छोड़ छोड़ा रहे हो तो अब धंधा ये असली करना है, नहीं तो वो तो छोड़ गया ये करते नहीं तो रीते रह जाएंगे खाली, कोई फायदा ही नहीं हुआ, तो घर का धंधा तो छूटा पड़ेगी तो कम नहीं ले जाए, सुनने में नाम जपने में चिंतन में इसमें कमी ना आ जाए, ऐसे सावधानी से चले कल्याण। नारायण 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 नारायण।